हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप आपने घर में अच्छे ढंग से पढ़ाई की होगी। मैंने एनसीईआरटी की बुक भी आपके क्लासरूम ऐप में अपलोड कर दी है। प्लीज़ आप जाकर कुछ भी चेक करना हो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैं दो तीन बुक्स और भी वेरी शॉर्टली आपके ऐप पे अपलोड करूँगा। तो कल हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़े थे रिगार्डिंग द एटॉमिक मासेस। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और है आपसे, चाहे आप यहाँ पर पॉज करके इसको रोक कर एक मेरी ध्यान से बात सुन लीजिए। अपने पास स्टडी टेबल पर बैठिए। स्टडी टेबल पर बैठने के बाद या किसी कंफर्टेबल प्लेस पर बैठिए, आपके पास अपने नोट्स कॉपी और पेन होना चाहिए। आप जैसे जैसे लेक्चर चल रहा है वैसे वैसे लेक्चर को नोट करते जाइए प्लीज़। और जो डाउट आपको आता है आप क्लासरूम ऐप में पूछ सकते हैं। आर यू क्लियर अबाउट दैट? तो घबराइए मत, आप चीज़ों को आसानी से सीखते जाइए। और जो भी डाउट है, जैसा भी डाउट है, यू आर ओपन टू आस्क, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, स्टडी को इन्जॉय कीजिए, क्योंकि रिजल्ट्स उसी के आते हैं जो स्टडी को इन्जॉय करता है, स्टडी के साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। स्टडी को आप एक रूटीन जॉब लीजिए, डोंट मेक इट इज वेरी स्पेशल एफर्ट। इसकी ये मत सोचिए कि स्टडी बहुत स्पेशल एफर्ट है। जैसे आप हम नहाते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, पिक्चर देखते हैं, स्टडी भी वैसी एक काम, इट इज जस्ट रूटीन वर्क। ठीक है ना? तो आप उसको एक इंजॉय के लेवल पे लेके जाइए। तो याद रखिए, जो स्टडी है वो एक सीरियस इशू है, लेकिन हमने खुद सीरियस नहीं होना, हमने एज ए पर्सन इन्जॉय करना है, लेकिन स्टडी को बहुत सीरियसली करना है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो लेट्स बिगिन नाउ। तो कल हमने आपसे डिस्कस किया था रिगार्डिंग द एटॉमिक मासेस। तो जो IUPAC की डेफिनेशन है वो क्या है? तो मैंने आपको जो कल लास्ट टॉपिक पढ़ाए थे, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको एवरेज मास के बारे में वहाँ पर बताया मैंने आपको कि कैसे आप दो या दो से ज़्यादा जो आइसोटोप्स हैं किसी एलिमेंट के, उन सबके कलेक्टिव एटॉमिक मास को आप रिपोर्ट करेंगे टेबल में। तो जितने भी आपको किसी भी रेफरेंस मटेरियल में, किसी भी बुक में मास नंबर दिया होता है, वो जो मास नंबर है, वो जो एटॉमिक मास है, वो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी नॉन आइसोटोप्स हैं उन सबको मिलाकर जो एवरेज एटॉमिक मास निकलता है वो होता है। यही वजह होती है कि आप जान लेंगे कि लगभग जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सभी का जो मास, एटॉमिक मास है, वो फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आता है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एवरेज है। क्लियर? नहीं क्लियर? तो ये आपको बात समझनी है। आर यू ओके विद द सिचुएशन? ठीक है, तो आप समझ लीजिए क्या पढ़ा हमने। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो हमने अगर आप चेक किया होगा कल, एक AMU को डिफाइन किया था, दैट इट इज 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम। और फिर आप सीक्वेंसेस को ध्यान रखिए, हमने पहले AMU को डिफाइन किया, AMU की डेफिनेशन क्या थी, 1/12 द मास ऑफ ए कार्बन एटम। उसके बाद हमने 1 AMU को और उसके रिलेटिव प्रोटॉन के मास को, उसके रिलेटिव न्यूट्रॉन के मास को देखा। तो देखा हमने, क्या देखा, कि उन सब की वैल्यूज रिलेटिवली सेम ही आ रही है। दैट इज़ वाई कार्बन 12 हैज़ बीन टेकन एज स्टैंडर्ड यूनिट टू डिफाइन। कारण क्या था कि अगर हम कार्बन 12 को लेते हैं और उसके मास का 1/12 करते हैं, तो उससे जो AMU की वैल्यू आती है वो वही वैल्यू होती है जो एक मास ऑफ न्यूट्रॉन है और मास ऑफ प्रोटॉन है, या वेरी नियरली इक्वल। क्योंकि ऑब्वियस है, फंडामेंटल पार्टिकल है, दुनिया में कुछ भी एक जैसा नहीं होता, तो वेरी नियरली सेम होती है। वैसे बता दूं मैं आपको, जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो AMU से हल्का सा हैवियर होता है, 1.0005, और जो
एएमयू बोलते हैं, 1.005 एएमयू, और जो न्यूट्रॉन है वो होता है 1.0007। तो जो न्यूट्रॉन है वो हल्का सा हैवियर है देन न्यूट्रॉन, लेकिन वो भी कहाँ पे, वो भी मैंने आपको बोला था कि अगर आप डेसिमल स्केल पे चेक करेंगे तो वो डिफरेंस आता है अप टू 30th प्लेस ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल के 30th प्लेस पे डिफरेंस आना मतलब क्या है, प्रैक्टिकल स्केल पे वो आप समझ लीजिए नेगलेक्ट ही किया जाता है। तो याद रखिए कल जो हमने पढ़ा था ये उसका एक क्विक रिविजन था, फिर हमने आपको पूरे के पूरे मार्क्स नंबर निकालने बताए थे। तो ये जो सामने लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे ये IUPAC की डेफिनेशन है, इसको भी आपने याद रखना है एटॉमिक मास को। और याद रखिए एक मोल को भी कल हमने डिफाइन किया था, तो एक मोल को भी आपने अपने माइंड में रिवाइज करना है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एक मोल एटम्स का मास, और ग्राम मोलर मास क्या होता है, एक मोल मॉलिक्यूल का मास, और ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है, एक मोल फॉर्मूला यूनिट मास का मास। जिसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था तो वो एग्जांपल्स आप प्लीज़ दोबारा से एक बार चेक कर लीजिएगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर बात को आप बार बार पढ़ के और लिख के रिवाइज कीजिए। स्टडी इज अबाउट राइटिंग, जो स्टडी है वो सुनना और लिखना है। तो जो सुन सकता है और लिख सकता है बस वही स्टूडेंट है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो आप ये प्लीज़ डेफिनेशन को नोट कीजिए, हम इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। हाँ जी, तो अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी एवरेज एटॉमिक मास पर ही है। तो आप चेक कीजिए बोरोन के हमारे पास यहाँ पर दो आइसोटोप्स होंगे। बोरोन का पहला जो आइसोटोप्स है वो है, और बोरोन का दूसरा जो आइसोटोप है वो है, अब जो बोरोन 11 का है वो आपका कितना है, वो आपके पास है 80%, और जो बोरोन 10 है वो है हमारे पास 20%। तो बोरोन के दो आइसोटोप्स हैं, बोरोन जो एलिमेंट है उसके दो आइसोटोप्स हैं, एक आइसोटोप्स 80% है दूसरा। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए भी इसका एवरेज मास क्या है, तो मैंने कल आपको फॉर्मूला लिखवाया था, तो बोरोन का जो एवरेज मास होगा क्या होगा, ठीक है जी, तो बोरोन का जो एवरेज मास है वो क्या होगा, बोरोन का एवरेज मास आपके पास होगा तो ये हो जाएगा 0.2 × 10 + 0.8 × 11 / 0.2 + 0.8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10.81। तो 10.81 जो है वो बोरोन का एवरेज मास है। जब आप NCERT बुक चेक करेंगे, टेबल में चेक करेंगे, तो आपको बोरोन का जो है आंसर कितना होगा 10.81 लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन ऑब्वियस है कि ये 10.8 जो है नियर टू द 11 है। हमेशा आप याद रखिए, अगर ये मैं आपको सिखाऊंगा, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि कैसे हम साइंस के अंदर डेसिमल के कैसे सिग्निफाई करते हैं उसको, ये अलग से एक टॉपिक है आपके NCERT में, डोंट वरी अबाउट दैट, हम उसको रीच आउट करेंगे थोड़ी देर बाद। तो अगर आपके पास मान लीजिए बोरोन के दो एटम्स हैं और एवरेज मास 10.85 निकल रहा है, देखिए आपके पास, तो ये जो 10.85 है इट इज़ नियर टू बोरोन। तो जो रिपोर्टेड वैल्यू मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल आप करेंगे वो 10.81 से नहीं करेंगे, आप वो 11 से ही करेंगे। आर यू श्योर अबाउट दैट? ठीक है बेटे, तो आप याद रखिए जो भी एवरेज मास होगा उसको आपको रिपोर्ट करना होता है। आर यू श्योर? ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए ध्यान से, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास सामने क्या आ रहा है, आपके सामने मान लीजिए यहाँ पर नियॉन के तीन आइसोटोप्स हैं। नियॉन आपको पता है नोबल गैस है, जो हमारे बल्ब्स वगैरह होते हैं उनमें नियॉन गैस भरी जाती है, क्लियर।
तो नियॉन जो है उसके तीन आइसोटोप्स हैं, एक है नियॉन 20, दूसरा है नियॉन 21 और तीसरा है नियॉन 22। जो परसेंटेज है ये है 90.51%। जो नियॉन है ये सब में आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर तो सब में सेम होगा। जो 21 है आइसोटोप्स का वो कितना है, वो है आपका लगभग 0.27%, और जो हमारे पास 22 है वो है 9.22%। तो ये वेरियस परसेंटेज हैं वेरियस एटम्स की, क्लियर है ना। तो ये नियॉन तीन आइसोटोप्स हैं, जैसे आपको अभी बोला मैंने आपको कि नियॉन नियॉन जो होता है हमारे बहुत सारे बल्ब में होता है, ठीक है, इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। जब आप आगे जाके पढ़ेंगे भी मेटलर्जी में अंदर भी ऐसा होता है, जहाँ कहीं भी इनर्ट एनवायरनमेंट चाहिए हो, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए हो, तो क्या करते हैं वहाँ पर नोबल गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। इनर्ट कहना एक गलत बात है, अब यहाँ पर उसको नोबल गैस ही बोलना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई हाँ बताइए इन सबका एवरेज मोलर मास क्या है नियॉन का, तो अगर आप नियॉन के एवरेज मास को चेक करेंगे किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिलेगी 0.9051 इंटू 20 प्लस 0.27 इंटू 21 प्लस 0.027 इंटू 21 प्लस 0.922 इंटू 22 डिवाइड बाय, अब इन सब का जो सम हुआ कितना है, 1 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके सबके पास कैलकुलेटर होगा, ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करने का देखेंगे आप, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20.179। आर यू ओके द सिचुएशन। तो 20.179 क्या है, एवरेज मोलर एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। तो अब जब आप रिपोर्ट देखेंगे एनसीईआरटी बुक में या किसी भी शर्ण बुक में, चाहे वो एटकिंस है, ठीक है, चाहे वो हुई है, क्लियर, उसके केस में आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू कहाँ से आई है, तो आपको मालूम पड़ गया कि किसी भी केस में जो एवरेज एटॉमिक मास है वो रिपोर्ट किया जाता है, क्लियर। और फिर करते क्या है, जो सबसे ज़्यादा अबंडेंस में आइसोटोप्स होता है उसी के मास को लिया जाता है। आर यू श्योर अबाउट दैट, सिवाय कुछ केसेस के, जैसे क्लोरीन है जिसमें हम 35.5 लेते हैं, या जिंक है जिसमें हम 65.5 लेते हैं, कॉपर है उसमें 63.5 लेते हैं। तो कुछ एक यूनिक केसेस हैं जिन केसेस में हम डेसिमल, क्योंकि 0.5 जैसे मैंने आपको बोला है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर है उसके हिसाब से हमें चलना होता है। तो मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, आने वाली क्लास में सिखाएंगे आपको शॉर्टली, वेरी शॉर्टली, तो तब आप समझ जाएंगे कि जो डेसिमल को ही रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे करनी है। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो एवरेज मास हो गया आपका, तो नेक्स्ट चलते हैं हम, क्लियरली अंडरस्टूड नाउ, श्योर, हाँ जी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने जो पढ़ना है कि जो एवरेज मोलर मासेस हैं वो क्या हैं। अब कुछ एटॉमिक मासेस आपको ऐसे हैं जो आपको लर्निंग होने चाहिए एट एनी कॉस्ट एज ए स्टूडेंट। जैसे आप मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मोलर मास आप 1 लिखेंगे, क्लियर। बोरोन जो है आप लिखेंगे 11, ठीक है जी। कार्बन को आप 12 लिखेंगे, नाइट्रोजन 14
ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, ओके, नियॉन 20। ये आप क्या करेंगे, ये आप याद करेंगे, लर्न कर लेंगे जैसे आपको दिए गए हैं, ठीक है जी। मैग्नीशियम 24, सोडियम 23, एल्युमिनियम 27, आर यू श्योर अबाउट दैट। उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्लोरीन 35.5, क्लियर। कैल्शियम 40, बेरिलियम 9, क्लियर अंडरस्टूड नाउ। उसके बाद आपके पास आ गया हीलियम 4, आर यू श्योर, आयरन 56, पोटाशियम 39, सल्फर 32, जिंक 65.5, सिल्वर 108, एंड रिपीटिंग आपको रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, जो सिल्वर है कितना है, सिल्वर है आपका 108, श्योर। और आपके पास जो नेक्स्ट सिलिकॉन आपका है 28। तो ये जो कुछ बेसिक ऐसे नंबर जो बार बार आपको यूज़ करने में आएंगे, तो ये आपको याद होने चाहिए। एज ए स्टूडेंट यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड। वैसे तो सभी कुछ मैंने कल भी आपको बोला था, पहले 36 एलिमेंट को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, लेकिन ये कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनके मोलर मास पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। वैसे डरने की बात नहीं है, एनुअल एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर एटॉमिक मासेस रिपोर्टेड होते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जो आपको ऑन द स्पॉट क्वेश्चन करने होते हैं, आपको वीकेंड एग्ज़ाम में आता है ज़्यादातर, तो कोई उसमें क्या होता है, टेस्ट वेस्ट में जो स्कूल टेस्ट वगैरह होते हैं, ज़्यादातर एटॉमिक मासेस रिपोर्ट नहीं करते। हालांकि IIT जी में और नीट में आपको फर्स्ट पेज पे ही यहाँ जहाँ रिलेवेंट क्वेश्चन होगा वहाँ पर जो एटॉमिक मास वहाँ पर यूज़ होना है उसकी वैल्यू दे रखी होती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट लर्न फर्स्ट 30 एलिमेंट्स वेरी वेरी केयरफुली। आर यू श्योर? अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं। अब हमने अब तक एक मोल के क्या क्या मीनिंग सीख लिए हैं। तो कल हमने एक मोल सीखा था कि एक मोल की वैल्यू जो है वो होती है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। दूसरा हमने एक मोल का मतलब सीखा कि ये क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास या फिर क्या होता है ये ग्राम मोलर मास या एक मीनिंग का होता है 1 ग्राम एटम्स या फिर होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 ग्राम एटम्स और 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसको अगर आप चेक करेंगे यहाँ से, इसको चेक करेंगे अगर आप, तो ये आपको मैं डिस्टिंग्विश फीचर बताता हूँ। नंबर वन, ये हमने कल पढ़ा था, कल इस पे क्वेश्चन किए थे, ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स या 1 ग्राम एटम्स का मतलब क्या होता है, क्लियर है? तो जैसे आपको मैं बोलता हूँ 1 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन और बोलता हूँ 1 ग्राम आयरन एटम्स, देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, आप चेक कीजिएगा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये बोलता हूँ 1 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन, जिसका मतलब है 1 मोल होगा, ये बोलूँगा 1 ग्राम आयरन एटम्स, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग, इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ आयरन होगा। तो ये आप चेक कीजिए ध्यान से कि ये वैल्यू और ये वैल्यू में फ़र्क क्या है। Are you sure?
मैं दोबारा बोलूँ, 1 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन एंड 1 ग्राम आयरन एटम्स, तो दोनों में डिफरेंस क्या है लिखने के स्टाइल में, चप चेक कर लीजिए। जहाँ लिखूँगा 1 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन तो इट मीन्स 1 मोल। जैसे एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे लिखूँगा 0.5 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मैं बात कर रहा हूँ हाफ मोल की। चेक कीजिए, क्योंकि ये देखिए वैल्यू दे रखी ना आपको। तो आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है पढ़ते हुए। ये आप, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस बात पे, मैं बहुत ही ज़्यादा क्लासरूम में स्टिक रहता हूँ, यू शुड लर्न वर्ड बाय वर्ड, आप हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। यू आर स्टूडेंट, आप स्टडी करते हैं, आप रीडिंग, आप रीडर्स नहीं हो, आप रीडिंग नहीं करते, आप स्टडी करते हो, एक एक वर्ड की डेप्थ में घुसना है, उसी को स्टडी बोला जाता है। स्टडी मीन्स, तो जो स्टडी करे वही स्टूडेंट है। आप रीडिंग करने नहीं आ रहे, ये न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करने आ रहे आप लोग, आपको हर चीज़ को सीखने के लिए बहुत वक्त मिलेगा, तो आपने ध्यान से हर चीज़ को पढ़ना है। आर यू श्योर? तो किसका इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो आगे चले आप और देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आपके पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसका मतलब 1 मोल होगा, लेकिन लिखा होगा 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसका मतलब 1 ग्राम ही होगा। तो ये जो वर्ड का आगे पीछे होना है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम। आर यू श्योर? तो 1 ग्राम एटम्स और 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, इन दोनों का मतलब होता है 1 मोल। श्योर अबाउट दैट? तो 1 मोल के अब 2 मीनिंग हमने पढ़ लिए हैं। 1 मोल के कौन कौन से 2 मीनिंग पढ़े हमने, एक तो लिखा है 6.022×10^23, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और दूसरा हमने सीखा है ग्राम एटॉमिक मास। और तीसरा ये है 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम एटम्स। आर यू श्योर? अब एक और कैटेगरी भी है जो जिस जो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए डिफाइन नहीं होती। आर यू श्योर अबाउट दैट? उसको हम समझ रहे हैं अब कैसे, देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1 मोल ऑफ ए गैस, तो उसके 2-3 मीनिंग तो आपको पता ही है। एक तो क्या है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसमें या एटम्स होंगे उसमें, कितने, 6.022×10^20, ये तो पता लग गया आपको, ये मीनिंग है इसका। दूसरा मीनिंग क्या है, इसका ग्राम मोलर मास होगा। लेकिन जो गैस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, गैस जो है उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। क्लियर नहीं क्लियर? कि वो एक जो एक अमाउंट गैस का है वो कितना कहाँ तक जाएगा, लेकिन 1 मोल जो गैस है एट STP एंड एट रूम टेम्परेचर उसका वॉल्यूम फिक्स किया गया है। आर यू श्योर अबाउट दैट? नो। तो 1 मोल गैस का मीनिंग क्या है, अब इसको हम समझते हैं हमारे ध्यान से। आर यू श्योर? क्लियर? जैसे मान लीजिए कोई बोलता है 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब होगा ये 32 ग्राम्स है और इसमें इतने मॉलिक्यूल हैं। क्लियर नहीं क्लियर? क्या है इसमें, इतने मॉलिक्यूल हैं। तो ये तो मॉलिक्यूल का संख्या है, एटम की संख्या क्या होगी, इससे डबल हो जाएगी। बोले कितने एटम्स हैं, तो आप बोलेंगे 2×NA, क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो मॉलिक्यूल से डबल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। NA यहाँ पर क्या है, NA यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर को डिनोट कर रहा है। आर यू श्योर अबाउट दैट? मैं रिपीट करता हूँ आपको, NA क्या है यहाँ पे, NA रिप्रेजेंट एवोगैड्रो नंबर, NA रिप्रेजेंट व्हाट,
एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर मतलब क्या, फिक्स्ड वैल्यू होती है 6.022×10²। तो एक मोल O2 में यहाँ तो 32 ग्राम्स ऑक्सीजन है, और यहाँ फिर क्या है 6.022×10²² मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ फिर क्या है इसका डबल, क्या इसका डबल क्या है एटम्स है, क्या इसके डबल एटम्स है, ये संख्या किसकी है, ये एटम्स के नंबर है। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट, क्लियर, श्योर? हम दोबारा समझ लेते हैं, O2 का मतलब क्या है, O2 का मतलब है इतने मॉलिक्यूल हैं, या फिर इतने एटम्स हैं, या फिर क्या है, या फिर ये है 32 ग्राम्स। तो ये मीनिंग हमने अब तक पढ़ ली है, ठीक है बेटे कि नहीं? अब एक और मीनिंग भी है O2 का, वो है उसके वॉल्यूम टर्म्स में, क्योंकि ये गैस भी है, क्लियर नहीं क्लियर? वो क्या है, आप एक यूज़ करेंगे टर्म, ठीक है, जो आपको अभी पढ़ाई नहीं गई है, ये आपको पूरा चैप्टर है गैशियस स्टेट में, पूरा पूरा चैप्टर है आपका एक डिवोट किया हुआ 11th क्लास में, गैशियस स्टेट पे पूरा का पूरा एक चैप्टर डिवोट किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए हम उस वहाँ से एक हिंट लेके आ रहे हैं कि एक इक्वेशन है, उसको आप पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होगा, आपको एक लाइन पढ़ा जाएगी PV इक्वल टू NRT, जहाँ पे P होगा प्रेशर ऑफ द गैस, V होगा वॉल्यूम, N होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T को बोलते हैं टेम्परेचर इन केल्विन। आर यू श्योर? टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है, ये आपने क्लास 9th 10th में पढ़ रखा है, क्लियर ना? तो डिग्री सेल्सियस में आप 273 करते हैं तो टेम्परेचर केल्विन में आ जाता है, क्लियर? तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल, आपने सर इसका यूज सीखना है, ये पूरे का पूरा एक अलग से चैप्टर है, घबराइए मत, वहाँ पर जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें एक मोल को गैशियस को डिफाइन करने के लिए ये हेल्पफुल है, इसलिए हम इसका यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें कोई लेना देना नहीं है इस पॉइंट, क्लियर नहीं क्लियर? तो ऑक्सीजन जो है वो गैस भी है, अगर मैं उसको मॉलिक्यूल में और एटम्स में और अमाउंट में, तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, पार्टिकल्स की संख्या को डिफाइन कर रही हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं इतने एटम्स हैं, और ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कितना अमाउंट मास में, वैसे ही कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है O2 ने, वो कौन डिफाइन करेगा? तो उसके लिए हम एक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। आर यू श्योर? तो कर रहे हैं हम, तो जब प्रेशर है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक, उस समय जो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी गैस के लिए, जबकि T है 273 केल्विन, ये कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। आर यू श्योर अबाउट दैट ना, क्लियर? तो ये टी है, टी के वैल्यू है 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक, और उस समय नंबर ऑफ मोल्स गैस का कितना है 1। तो कोई आपसे पूछे PV इज इक्वल टू NRT, ये गैस की इक्वेशन है, व्हाट इज दी वॉल्यूम, तो आप बोलेंगे सर NRT बाय पी। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो NRT बाय पी को जब आप सॉल्व करने जाएंगे, तो यहाँ पर आप चेक कीजिए R के वैल्यू क्या लेनी चाहिए, तो R की वैल्यू यूनिट पे डिपेंड करती है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक है, तो R हम लेंगे यहाँ पे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आर यू श्योर? तो ये R के लिए, यहाँ पे तो N की कितनी वैल्यू, यहाँ पर N की वैल्यू है 1, R की वैल्यू है 0.0821, T हमारे पास है 273, प्रेशर है 1, जब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 22.4 लीटर। आर यू श्योर?
ये जो वैल्यू है किसमें आ रही है 22.4 लीटर में आंसर आ रहा है इसका। क्लियर नहीं क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया, वन मोल जो वन मोल गैस है, जो क्या है वन मोल गैस है, उसकी वैल्यू क्या होती है 22.4 लीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक मोल का तीसरा एक डेफिनेशन आ गया। क्या आ गया कि एक मोल आइडल गैस कितना वॉल्यूम लेके आती है 22.4 लीटर का। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? ठीक है बेटे, इस पॉइंट को हम एक बार फिर से चेक करेंगे। श्योर? प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, टेम्परेचर 273 है, और आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट तो वैल्यू आपको पता है, ये कांस्टेंट रहेगी तो कितनी होगी, ये 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। नंबर ऑफ मोल्स गैस का 1 है, आपने नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया है कि एक मोल की गैस 273 केल्विन पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो आंसर है 22.4 लीटर का। ये जो अमाउंट है वॉल्यूम का, ये केवल और केवल गैसेस पर एप्लीकेबल है, ना ये सॉलिड पर एप्लीकेबल है ना लिक्विड पर एप्लीकेबल है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो डेफिनेशन है ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, गैस की स्किल अलावा ये सॉलिड लिक्विड पे एप्लीकेबल नहीं है। आर यू श्योर? जैसे एग्जांपल देखिए, मेरे पास मान लीजिए मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर क्या होगा, 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो होता है 18 ग्राम के इक्वल, या उसमें क्या होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आपको पता ही है वाटर क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या है ये गैस तो नहीं है, लिक्विड है ये। तो अगर आप गलती से वाटर को लिखेंगे 22.4 लीटर तो ये रॉन्ग हो जाएगा, कंप्लीटली क्या है ये रॉन्ग है। कारण क्या है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि ये वाटर क्या है, वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो जो सब्सटेंस 273 केल्विन पे या फिर रूम टेम्परेचर पर क्या नहीं है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको 22.4 लीटर लिखना गलत है। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली रॉन्ग। एग्जांपल दूसरा देखिए आप, मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 180 ग्राम ग्लूकोज, तो 180 ग्राम ग्लूकोज में क्या होगा, 180 ग्राम ग्लूकोज में एक मोल है, ये एक मोल का आंसर हो गया। इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, तो आंसर है 6.022×10³³ मॉलिक्यूल्स। कोई बोले ये 22.4 लीटर है तो ये क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कारण क्यों रॉन्ग है, ये इसलिए रॉन्ग है कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर, तो सॉलिड पर कैसे एप्लीकेबल होगा, ये कभी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लिक्विड जो सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड है, जो सब्सटेंस क्या है सॉलिड या फिर क्या है लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, उस पर हम 22.4 लीटर नहीं लगाएंगे। आर यू श्योर? लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो गैस है वो CO2 है, तो बोलेगा एक मोल CO2 का मतलब क्या है, तो एक मोल CO2 का मतलब है 44 ग्राम अमाउंट में आ गया, एक मोल का मतलब है 6.022×10³³ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये गैस है, इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर और एट कस्पे 273 केल्विन पर, हम कह रहे हैं 22.4
फोर लीटर, तो ये यस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये गैस है, तो इसके लिए इसको मास में लिखना है, मास में लिखिए, ठीक है नहीं? इसको मॉलिक्यूल में लिखना है, मॉलिक्यूल में लिखिए। इसको लीटर में लिखना, लीटर में लिखिए। क्यों करेंगे ऐसा हम? ये ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये गैस है। तो सॉलिड और लिक्विड को सिर्फ हम ग्राम में और एवोगैड्रो में लिखेंगे, लेकिन गैस को ग्राम में लिखेंगे, मॉलिक्यूल में लिखेंगे, और गैस और लीटर में लिखेंगे। तो गैस में एक क्वालिटी होती है कि उसको हम अमाउंट इन ग्राम्स, अमाउंट इन नंबर्स एंड अमाउंट इन वॉल्यूम तीनों में डिफाइन कर सकते हैं। ओनली फॉर गैसेस, ओनली फॉर वर्ड गैसेज ये एप्लीकेबल है, सॉलिड लिक्विड पर एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है अपने। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर अंडरस्टूड नाउ? ठीक है, तो अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब क्या होगा, अगर आपको निकालना हो कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे करने हैं आपको, तो नंबर ऑफ मोल्स आप जनरली एन से डिफाइन करेंगे। किससे डिफाइन करेंगे? एन से। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होता है? वो होता है गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास, या फिर क्या होगा, एन गिवन वॉल्यूम, जो क्वेश्चन में गिवन वॉल्यूम है, डिवाइड बाय 22.4 लीटर, या फिर एन क्या होता है, गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6.022×10^23। तो आपके पास यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, तीन फार्मूले आपके पास आ गए किसके, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। एक तो क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, दूसरा है गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। ये 22.4 क्या है, मोलर वॉल्यूम, और नीचे जो पार्टिकल दे रखे हों, तो ये तीनों फार्मूले एज ए स्टूडेंट आपको याद होने चाहिए। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। आर यू श्योर अबाउट दैट? इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब कि मान लीजिए हमें दे रखा है, कहते हैं कि जी 9 ग्राम वाटर है, तो क्या बोलेंगे आप? आप बोलेंगे सर ये है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 18, तो कितना आ गया? आप बोलेंगे हाफ मोल। तो आप चाहें तो बोल सकते हैं 9 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट, हाफ मोल ऑफ वाटर। ऐसे ही आपको दे रखा है, मान लीजिए बोलेगा हाँ जी आपको दे रखा है 11 ग्राम ऑफ CO2 गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो क्या आंसर आ गया, 1/4, तो क्या आंसर आ गया, 0.25 मोल्स। क्लियर नहीं? क्लियर अंडरस्टूड? तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर आपको वो अमाउंट दे रखा है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो इसका उल्टा भी है कि अगर आपको अमाउंट दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, दूसरा क्या है, अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो अमाउंट निकाल लीजिए। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? देखते हैं कैसे, कि नंबर ऑफ मोल्स, मान लीजिए दो कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ए क्या होगा, गिवन मास ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए। ए कोई कंपोनेंट है, मान लीजिए ए इज एनी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट है। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ ए हो जाएगा, एम ए स्टैंड फॉर मोलर मास ऑफ ए, दिस स्टैंड फॉर गिवन मास ऑफ ए।
तो अगर मैं आपसे पूछूं गिवन मास ऑफ ए क्या है, तो आप बोल देंगे सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए। चलो ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। फिर वॉट दैट, ऐसे क्या होगा, ऐसे ही आपसे कह सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होगा, आप बोलेंगे सर गिवन मास ऑफ कंपोनेंट बी बाय मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट बी का गिवन अमाउंट क्या है, आप बोलेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, अंदर क्या आ गया एन बी इंटू एम बी। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर ना, इजी है कि नहीं। तो ये नंबर ऑफ अमाउंट कैसे निकालने हैं पता लग गया आप लोगों को। हाँ जी, तो अब देखिए, यस देखिए कि मान लीजिए आपको दे रखा है 0.9 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, वो बोल रहा है इसमें बताइए मॉलिक्यूल्स का कितना नंबर है, क्लियर, एटम्स के कितने नंबर्स हैं, और इसमें आप बताइए कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्लियर अंडरस्टूड। नाउ दोबारा समझिए ध्यान से कि आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया यहाँ पे कि 0.9 ग्राम वाटर है, बताइए इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, क्लियर नहीं क्लियर, इसमें कितने एटम्स हैं, हाउ मेनी एटम्स आर दिया, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर दिया। तो पहले आप एक मॉलिक्यूल का पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए, ये इसमें कितने हैं, दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है। सबको मालूम है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर है 1। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंसर है 8। तो आंसर आ गया 2 × 1 + 1 × 8। इसमें क्या हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में। इतना मालूम पड़ गया आप लोगों को, श्योर। तो ये हमने पहला पॉइंट निकाल लिया कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज हाउ मच इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ वाटर को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9 × 10⁻¹ डिवाइडेड बाय 18, क्लियर अंडरस्टूड और नॉट, डिवाइड बाय 18। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या है, आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 5 × 10⁻²। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है कितने हैं, 5 × 10⁻², क्लियर अंडरस्टूड। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं आपने ध्यान रखने हैं। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स मोल्स आ गए, तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे करेंगे हम, तो आंसर है जो आपको दे रखा है वैल्यू किसी दे रखी है आपको, आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं 5 × 10⁻², क्या ये मोल्स हैं, तो मोल की जगह मोल की वैल्यू डाल दीजिए, क्या वैल्यू है, वैल्यू है एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10³। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 3.011 × 10⁻¹, कितना है यहाँ पे 10⁻³।
22 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं। चेक कीजिए क्वेश्चन कैसे किया गया। पहले आपने क्या लिया, पहला स्टेप क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। कैसे निकाले, तो चेक कीजिए कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास बाय मोलर मास, फिर उसको हमने नीरेस्ट डिवाइड करके नीरेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया। फिर ये मोल्स आए नंबर, तो मोल्स को क्या किया हमने, मोल्स को हमने अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स के नंबर आ गए। तो हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि इतने मॉलिक्यूल हैं किसके अंदर, इतने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास 0.9 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, आर यू श्योर। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद जब हम मॉलिक्यूल को लेके आगे चलेंगे, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम आ रहे हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स आ रहे हैं। देखिए कौन कौन से, तो आप बोलेंगे सर 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। क्लियर नहीं क्लियर, इसके मतलब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 3 एटम्स हैं। अगर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, टोटल मॉलिक्यूल हैं 3.011 × 10²² मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल के कितने एटम्स हैं, तो आंसर है 3 एटम्स हैं। तो आ गया 3 × एटम्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में इतने होंगे। कीजिए तो आप 3 से मल्टर कीजिए, कितना आंसर आ गया, 9.033 × 10²² एटम्स। क्या आ गया, एटम्स के नंबर आ गए। अब एक मॉलिक्यूल में क्या है, एक मॉलिक्यूल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, तो चेक कीजिए पहला पॉइंट, देखिए आप पीछे जाके चेक कीजिए, एक मॉलिक्यूल में कितने थे, चेक कीजिए एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन आए थे, श्योर। तो अब आपको पता है एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो क्या आंसर करेंगे आप, आपने इस पॉइंट से ये पॉइंट निकाल लिया एटम्स का। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आंसर यहाँ पे इसको आगे से कर देंगे 3.011 × 10²² तो मॉलिक्यूल हैं, और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मॉलिक्यूल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, वो है हमारे पास 10, कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर क्या आ गया, 3.011 × 10²³ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास तीनों पार्ट के आंसर आ गए, हमने मॉलिक्यूल निकाल लिए। चेक कीजिए ध्यान से, हमें क्या निकालने को बोला था, हमें निकालने को बोला था कि इतने जो हमारे पास एटम्स, जो ग्राम्स वाटर है, उसमें मॉलिक्यूल बताइए, एटम्स बताइए और इलेक्ट्रॉन्स बताइए। तो क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए। तो एटम्स हैं 3 और इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। क्या हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं और कितने हैं, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए। ये स्टेप आप याद रखिए, अपनी कॉपी पे ध्यान से लिखिए, और फिर एक मॉलिक्यूल की जगह उसके जितने एटम्स हैं वो नोट कर लीजिए, और एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके वहाँ पुट कर दीजिए। तो मॉलिक्यूल निकाल के मॉलिक्यूल की जगह पे उसके एटम्स और इलेक्ट्रॉन के नंबर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। आर यू श्योर, ये कितना ईजी था, ईजी था कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कह रहा है जी 8 मिलीग्राम हमारे पास ऑक्साइड आयन है। 1 मिलीग्राम कितने हैं, ऑक्साइड आयन्स हैं। तो बोल रहा है बताइए जो 8 मिलीग्राम ऑक्साइड आयन्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ये हमें बात इसने पूछी है कि बताइए 8 मिलीग्राम्स ऑक्साइड आयन्स हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। क्लियरली अंडरस्टूड, कितने क्या हैं यहाँ पर, प्रोटॉन्स हैं, श्योर अबाउट दैट। तो दो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे। अब आपको सबको मालूम है जो ऑक्सीजन है उसमें कितने होते हैं, 8 प्रोटॉन हैं, 8 न्यूट्रॉन हैं और 8 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन ऑक्साइड आयन में क्या होगा, ऑक्साइड आयन में
ऑक्साइड आयन में दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं, क्या दो इलेक्ट्रॉन क्या आ गए यहाँ पर, एक्स्ट्रा आ गए हैं। कहाँ से आए हैं? उसने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन। आप समझिए ध्यान से कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है उसमें क्या है, उसके अंदर 8 प्रोटॉन हैं, 8 न्यूट्रॉन हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन जब वो ऑक्साइड आयन बन गया, क्या बन गया, जब वो ऑक्साइड का आयन बन गया तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतने तो नहीं है। तो ऑक्साइड आयन में क्या है, तो आंसर है 8 प्रोटॉन हैं बट 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपके जो दो आंसर आएंगे दोनों आंसर अलग अलग आने चाहिए, क्लियर। तो ये हमने कहाँ देखा, ये तो हमने क्या किया, हमने एक आयन में निकाल लिया। क्या सिनारियो है, ये सिनारियो किस में निकाला हमने, एक आयन के अंदर। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, पहले आप एक मॉलिक्यूल का या एक एटम का या एक आयन का जो भी क्वेश्चन आपको आया उसका आप इजी वे आउट में सिनारियो चेक कर लेंगे कि एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में या एक आयन में कितने कितने चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो पहले आप आयन या मॉलिक्यूल के बारे में देख लेंगे, ठीक है, ओके बेटे। तो हमने, क्योंकि उसने आयन में पूछा है तो हमने आयन के बारे में नोट कर लिया यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम इमिडिएटली अपने ऑपरेशन चले जाएंगे। ऑपरेशन क्या क्या बोलता है, ऑपरेशन हमें बोलता है कि हमें निकालना है कितने, चेक किए दोबारा से, हमें निकालना है 8 मिलीग्राम में कितने, 8 मिलीग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। तो पहले मेरे को पता लगाना है 8 मिलीग्राम में कितने क्या होते हैं, 8 मिलीग्राम के अंदर कितने मोल्स होते हैं। श्योर? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे 8 मिलीग्राम, तो ये 10^-3 हो गया। मिलीग्राम मीन्स 10^-3 डिवाइड बाय मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास इतना, तो आंसर है 16। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1/2 × 10^-, क्या 10^-3, ओवरऑल आंसर आ गया 5 × 10^-4 मोल्स। कितना आया ये आंसर मोल्स में है, इतने मोल्स ऑक्साइड के हैं, क्लियर। तो एक मोल में कितने टोटल आयन्स होंगे बताइए, तो आप बोलेंगे 6.022×10^23 आयन्स, कितने आयन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो आप बोलेंगे 5 × 10^-4 × 6.022×10^23 × कितने 10 इलेक्ट्रॉन। चेक कीजिए एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एक आयन में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर पुट कर दिए। क्लियर आल अंडरस्टूड, श्योर अबाउट दैट नॉट? तो यहाँ पर क्या करिए, हमने इसको पुट कर दिए, ठीक है बेटे। अब क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कितने प्रोटॉन हैं, तो आप दोबारा लिखिए 5 × 10^-4 ×6.022×10^23। अब चेक कीजिए प्रोटॉन उतने ही थे, प्रोटॉन में चेंज नहीं आया, 8 8 ही थे, कितना हो गया 8 प्रोटॉन्स। तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर नोट डाउन कर लीजिए, इजी है कि नहीं। तो आंसर इज टू इजी, दैट इज कॉल्ड टू इजी। कितना इजी है ये, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ भी नहीं है। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर, वेरी गुड। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम चेक करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है जी हमारे पास 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस है, कितना है 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस। तो जो CO2 गैस है उसमें बताइए कितने एटम्स हैं, कितने क्या है यहाँ पर एटम्स हैं और कितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लीजिए दो क्वेश्चन आ गए, कि ये दो क्वेश्चन आपके पास आ गए यहाँ पे कि 5.6 लीटर CO2 है उसमें कितने एटम्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने आपको बताया जो नंबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम हमने निकाला अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है जी, कितना है
तो 5.6 तो है गिवन वॉल्यूम। अच्छा एक चीज़ होनी चाहिए, ये जो पूछ रहा है वो एसटीपी पूछ रहा है, एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो गैशियस के स्टेट में स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 और ऊपर नीचे आ जाएगा 22.4 लीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/4, तो आंसर आ गया 0.25 मोल्स। आर यू श्योर कितना आ गया? 0.25 मोल्स। ये बात आपको अच्छे ढंग से मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे आपको क्या निकालना है, आपको एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो आप चेक कीजिए CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम है, जिसका मतलब क्या हो गया, सब ऑब्वियस मतलब है कि यहाँ पर आपके पास 3 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, 3 एटम्स हैं किसमें, एक मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो चेक करते हैं। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंसर है 6। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर है 8। तो कितना आ गया, 22। तो 6 प्लस 16 कितना हो गया, 22। कितना हो गया यहाँ पे, 22 आपके पास क्या आ गया, 22 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और कितने मोल्स हैं हमारे पास, तो आंसर है 0.25 मोल्स या 1.25 मोल्स, ठीक है जी। क्लियर अंडरस्टूड नाउ? तो ये जो पॉइंट है हमारा अच्छी तरह से क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है जी, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, 0.25 × 6 × 0.22 × 23। ये क्या है, आपने ये नंबर ऑफ क्या कर दिए, मोल्स के अंदर एवोगाड्रो को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मॉलिक्यूल का नंबर आ गया। तो ये कितना आ गया, 1.50 × 10³। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम निकले थे आप चेक कीजिए लास्ट टाइम में, तो आंसर है 3, क्लियर। और कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 22। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, 3 एटम्स एंड 22, तो कितने हो गए, ये आपका ये जो पूरा आंसर है कितने में आया, ये पूरा आंसर आया नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो कैलकुलेट कर लीजिए आप। और ये आंसर किस में आएगा, ठीक है जी, ये आंसर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ कितने क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स है, क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो आंसर, एक ये और एक ये, दोनों आपसे पूछेंगे क्वेश्चन में। तो आप इसको पूरे के पूरे ध्यान से, चीज़ों को ध्यान से समझिए और रिपीट कीजिए, जैसा पूरे का पूरा लेक्चर है उसको आप कंप्लीटली अपने नोट कॉपी में देखिए, बार बार लिखिए। आर यू श्योर? सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।